नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रणधीर में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले आप अपने ज़मीन का जमाबंदी पंजी कैसे निकाल सकते हैं। खुद से आप इंटरनेट की सहायता से, आप अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से आप अपने ज़मीन का जमाबंदी पंजी निकाल सकते हैं। कैसे आप लोग को निकालने हैं, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पर हमारा विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, बता दें अपने ज़मीन का जमाबंदी पंजी निकालने के लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना। चलिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए। गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप लोगों को सर्च करना है बिहार भूमि, आपको सिंपली बिहार भूमि लिख के सर्च कर देना। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे बिहार भूमि लिख के आपको सर्च कर देना। चलिए सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार भूमि, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर दें। इस लिंक पे आप आना चाहते हैं, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन इसका लिंक डाल दूँ, आसानी से साइट पे आप विजिट कर सकते हैं। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर दें। चलिए इस पर क्लिक कर दी। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा आपको नीचे इस तरह से इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको आपको क्लोज बटन सिंपली क्लिक करके आपको इसको क्लोज कर देना। चलिए इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे ही क्लोज कर दीजिए तो आपको नीचे स्क्रॉल कर देना। जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिए तो आपको अपना जमीन का यहाँ पर जमाबंदी पंजी निकालना है। तो जमाबंदी पंजी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिले, देख सकते हैं जमाबंदी पंजी देखे इस वाले पे आपको सिंपली क्लिक करना। चलिए इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। देख सकते हैं बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की ऑफिशियली वेबसाइट पे आप लोग आ गए। तो आपको जमाबंदी पंजी निकालने के लिए आपका जिला यहाँ पर देखने को, देख सकते हैं जो भी आपका जिला होगा यहाँ पर से अपना जिला सेलेक्ट कर लिए। जो भी अंचल से आप आते हैं, जो भी आपका ब्लॉक होगा, प्रखंड होगा, अंचल होगा, यहाँ से अपना अंचल सेलेक्ट कर। चलिए यहाँ पे आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे जिला पे क्लिक कीजिए, देख सकते हैं बहुत सारे जिला यहाँ पे आ गए। जो भी आपका जिला होगा यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट कर। चलिए यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अंचल, ब्लॉक, प्रखंड जो भी हो आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। चलिए यहाँ पे जो भी हम मेरा ब्लॉक या अंचल है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी ब्लॉक से आप आते हैं वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल, देख सकते हैं प्रोसीड बटन, इस प्रोसीड वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना। चलिए प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कीजिए एक ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखने को मिले, देख सकते हैं मोजा सेलेक्ट करें। जो भी मोजा आपका जमीन का, जो भी आपका थाना नंबर होगा, थाना नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। चलिए जो भी आपका जमीन का मोजा होगा यानी थाना नंबर होगा यहाँ पे थाना नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे जिला, अंचल और मोजा यहाँ पे हम सारे चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को उस जमीन का जमाबंदी पंजी दिखाने निकालने के लिए आप लोग किस चीज़ से उस जमीन का जमाबंदी पंजी आप देखना चाहते हैं। देख सकते हैं भाग वर्तमान आपके पास होगा तो भाग वर्तमान से, अगर उस जमीन के आपके पास पृष्ठ संख्या तो पृष्ठ संख्या से, अगर उस जमीन का आपके यानी प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर होगा तो खेसरा नंबर से आप निकाल सकते हैं। अगर उस जमीन का जमाबंदी संख्या आपको पता है तो जमाबंदी संख्या से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास उस जमीन का खाता नंबर है तो खाता नंबर से भी निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे पता है खेसरा नंबर, चलिए यहाँ पे हम खेसरा नंबर पे आए यानी प्लॉट नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। खेसरा नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। खेसरा नंबर सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के यहाँ पे जैसे खेसरा नंबर क्लिक कर, जैसे हम प्लॉट नंबर से यहाँ पर जमाबंदी पंजी निकालने वाले हैं तो प्लॉट नंबर पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जो भी चीज़ आप निकालना चाहते, खाता से निकालना चाहते तो आपको खाता वाले पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अगर आप प्लॉट नंबर खेसरा नंबर से निकालना चाहते आपको खेसरा नंबर पर क्लिक करना चाहिए। यहाँ हम यहाँ पे खेसरा नंबर से निकालने वाले थे, खेसरा नंबर सेलेक्ट कर दीजिए। खेसरा नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में आपको अपना जमीन का खेसरा नंबर फिलअप करना। चलिए खेसरा नंबर फिलअप कर दिए। खेसरा नंबर फिलअप करने के बाद आपको नीचे एक सुरक्षा कोड देखने को मिला। इस सुरक्षा कोड को आपको प्लस जोड़ के इस बॉक्स में लिखना है, उसके बाद आपको सर्च बटन पर सिंपली क्लिक करना। चलिए सारा फिलअप करके आपको बताते हैं अगला स्टेप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप कर ले, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षा कोड देखने को मिले। इस पर आपको सिंपली सुरक्षा कोड के जोड़ोगे, इस पर आपको यहाँ पे सर्च बटन पे सिंपली क्लिक करना। चलिए सर्च बटन पे क्लिक कर दिए। जैसे ही आप लोग सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने नीचे स्क्रॉल हो कीजिएगा, देख सकते हैं आपके सामने जमीन का सारा डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा सारे डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्रम संख्या आप लोग को यहाँ पे देखने को मिला, देख सकते हैं क्रम संख्या आप लोग यहाँ पे, रैयत का नाम आप लोग यहाँ पे देखने को, खाता क्या है उस जमीन का, उसके बाद भाग वर्तमान क्या है, पृष्ठ संख्या क्या है, जमाबंदी नंबर क्या है, देख सकते हैं कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद उस जमीन को आप देखना चाहते, जो भी आपका जमीन होगा, जो भी आपका नाम होगा, उस नाम के सामने देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखे बटन पे आई का ऑप्शन देखने को मिला। इस पर आपको सिंपली क्लिक, चलिए देखे बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो सिंपली इस बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना, इस जमीन को आप जमाबंदी पंजी प्रिंट करना चाहते हैं इस पर आपको सिंपली क्लिक करना। चलिए इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने जमाबंदी पंजी आपके निकल, देख सकते हैं यहाँ यही आपका जमाबंदी पंजी निकल के आ गया। देख सकते हैं यही आपका कब रसीद कटा, देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स आप लोग यहाँ पे मिल देखने को मिल, देख सकते हैं रैयत का नाम आप लोग यहाँ पे देखने को मिल, देख सकते हैं उनके पति या हस्बैंड जो भी पिता का नाम जो भी यहाँ पे देखने को, देख सकते हैं यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल कर, जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल कर देख सकते हैं यहाँ पे खाता नंबर कितना डिसमिल वो जमीन रकबा यहाँ पे देखने को, चौहदी क्या यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला,
खाता संख्या क्या, कब से कब तक आप रसीद कटाएं, ये आप लोग को यहाँ पे देखने को मिले। इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, ऊपर में आपको प्रिंट बटन देखने को मिल, देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट बटन आप लोगों को देखने को मिला है। इस पर सिंपली क्लिक करके आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको सेव कर लेते हैं या किसी साइबर कैप में जाकर आपको इसको प्रिंट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।